वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर देश भर के ज्वेलर्स 23 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आभूषण विक्रेता सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के मनमाने ढंग से कार्यान्वयन के खिलाफ हड़ताल करेंगे। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने सांकेतिक हड़ताल को लेकर ये जानकारी साझा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सांकेतिक हड़ताल को देश भर के रत्न एवं आभूषण के 350 संघ महासंघ समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि 16 जून 2021 से देश भर में चरणबद्ध तरीके से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए 28 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीजेसी के पूर्व अध्यक्ष अशोक मीनावाला का कहना है कि एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल HUID यानी हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान संख्या के मनमाने ढंग से कार्यान्वयन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये कानून अव्यावहारिक असंभव है। दाना भाई ज्वेलर्स ग्रुप के निदेशक अशोक मीनावाला सरकार के द्वारा नियुक्त की गई समितियों में ज्वेलर्स की ओर से प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि HUID का सोने की शुद्धता से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, इसे ज्वेलर्स स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि BIS को लगता है कि नए HUID से सोने की शुद्धता में सुधार होगा, लेकिन ज्वेलर्स को लग रहा है कि सिर्फ एक ट्रैकिंग तंत्र है। वहीं GJC के निदेशक दिनेश जैन ने नई HUID प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा समय खपाने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग सेंटर्स की मौजूदा गति क्षमता तकरीबन 2 लाख इकाई रोजाना है। मौजूदा रफ्तार से इस साल के उत्पादन को हॉलमार्क करने में करीब 3 से 4 साल लग जाएंगे। उनका कहना है कि नई HUID प्रणाली से प्रोडक्ट को हॉलमार्क करने में करीब 5 से 10 दिन का समय लग रहा है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।